बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आएगा हम सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएंगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत की स्पेस डिप्लोमेसी के तहत तैयार हुआ साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार है। पहले इसे सार्क सैटेलाइट का नाम दिया गया था लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस तोहफे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। भारत का यह शांति दूत स्पेस में जाकर कई काम करेगा। इसे GSLV F09 रॉकेट से भेजा जाएगा। सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इससे दक्षिण एशियाई देशों की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर 235 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस मिशन में अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। ये देश इसरो को 12 साल में 96 करोड़ रुपए देंगे। मन की बात में पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि दक्षिण एशिया उपग्रह अपने पड़ोसी देशों को भारत की ओर से कीमती उपहार होगा। दक्षिण एशिया के देशों को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फायदा, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कम्युनिकेशन में मददगार सैटेलाइट का नाम पहले सार्क रखा गया था और उपग्रह की लागत करीब 235 करोड़ रुपए है। सहयोगी देश टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकेंगे, सभी देशों के बीच हॉटलाइन की सुविधा भी दी जा सकेगी, टेलीमेडिसिन सुविधाओं को भी इससे बढ़ावा मिलेगा।